الله الرحمن الرحيم بعظمت بسم الله الرحمن الرحيم بحرمت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساتر الى النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي ادركني 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 لي خمسة بحق مظلوم خدایا جتنے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما آمین سارے اچھی آواز خدایا بانیان دا فرش دا بچھایا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما جڑا جڑا بندہ ذکر پاک واسطے ٹر آیا ایندا ٹر آیا منظور و مقبول فرما سارے سار دی زندگی دا ناز فرما خدایا کوئی بے روزگار ہے تا روزگار عطا فرما اس دلاں دے راز بہتر جان دے اس سارے نیک حاجات منظور و مقبول فرما نماز پنج وانا پڑھن دی توفیق عطا فرما خدایا اگر کوئی بیمار ہے بے حق جناب سیدا اس کو صحت کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما خصوصا میرے بابا حاجی ناصر عباس موتق کو صحت کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما سر سارا دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور فرما دعا میں دی قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلندر صلوات جتنا زیادہ دل وچ امام حسین علیہ السلام دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اللہ اتنی بلند صلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والله عاقبة المتقين والله جنة للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم بالقاسم محمد قاسم ببغداد زمزمی
वरा के साथ वसाए नैला मना भोग जल वसी अलामतन मकतूबतन अलजबा सिर्फ और सिर्फ दुआ दिखाते अलजबा जे तक सारे न बोले सनियो परसा अलज बहा अलज बहा मल्लम युआलिया फिलबरिया हैदरा बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा इजाजत है जी तर्जमा कर छोड़ा कसमन बेबकता मैं को मक्का दी इज्जत दी कसम ए मैं नहीं पियादा अहले सुन्नत दे इमाम शाफी पियादन कसमन बेबकता मैं को मक्का दी इज्जत दी कसम वल हतीम जेड़ी काबा दे नाल मुड़ी होई दीवार है मैं उस दी कसम वत कसम पे खानन मैं को आपे जमजम दे इज्जत ओ एतराम दी इतनिया कसमा खा के अहले सुन्नत दे इमाम शाफी बया दे जदा नेजे बराबर सूरज ओसी अल्लाह दी सारी कायनात मैदान च इकट्ठी ओसी हरामी दे मथे ते लिखोयो ओसी ए दुश्मन ए अली बियाद देखना मेरे अले पासे जी रिसालत माब दा फरमान है रसूले खुदा मेंबर ते बैठन या मैं इस जुमले को थोड़ा जिया प्यारा करके क्यों ना आखा पे मेंबर ते हस्ती बैठी है जहदे बावन नाल मेंबर सोना लगता है जगह भाई थोड़ा जिया जागो पिछले जागो थोड़ा जिया पिछले जागो मैं बिस्मिल्लाह करा मेंबर ते हस्ती बैठी है जहदे बावन नाल मेंबर सोना लगता है अगू बैठे सहाबा मजलिस दे सही मेरा मेरे मौजूद है बुजुर्ग मेरे मौजूद है मामा दिया झोलियां तो अदारी सुन दे पे हो ते दुआ करके मैं दपिया शाला को में सुन दे रहो सिंह जेड़े वेले कोई सुनन वाला बेतवज्जी करे ना उमले जाकर को आखना पे मैं दा जवान है तब भिरा जरा मेरो देखे बुजुर्ग के ता चाचा जरा मेरो देखे अगले जागो पिछले जागो ए जाकर को अल्फाज आखने पे वेने साहिब किताब लिख दे रसूल खुदा चंद सहाबियां दे ना जाके आखे फलां बिन फलां मैं मोहम्मद को देख जगह भाई फलां बिन फलां मैं मोहम्मद को देख जेले सारा दी तवज्जो रिसालत माबले पासे होई है ओले बतूल दा बाबा पियाद है अजाए बाद दे मजर दा नाम है अली इब्ने अबी तालिब मैं बिस्मिल्लाह करा या अली एक और गल भी कीती ए मेरे पाक सहाबा ए मेरे प्यारे सहाबा जेड़ी गल मैं मोहम्मद तो कौन पिया दसैना दिलां दियां तख्तियां ते लिख गिनो गल अपने तक नहीं रखनी गल टोरनी है गल टुरदी 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 मदीने च टुरिए ते थज मैं खड़ा पड़दा गल केड़ी है मेरे पाक साहबा जीवें रूह तो बगैर जिस्म ना मुकम्मल है अली तो बगैर मोहम्मद ना मुकम्मल है मैं बिस्मिल्लाह करा यार थोड़ा जिहा मंजर बड़ा सही थक गया थे मैं सह पढ़ देना
ए मेंबर अगू बैठन साहब आओ सामने है गेट गेट दे बारू है मेन गली बाजार दी ऊंची गई हक्का लाखो सदा आखो आवाज आखो ऐना ऐना मोहम्मद ए आवाज मेंबर तक तो नहीं आई लेकिन गेट तक आई है गेट को जेड़े बैठे नु नहीं मैं सुन के पिछा मुंह जो कीता है के रिठा ने 16 या 17 फुट लंबा बंदा चुप कर गए तू सत नहीं देख है जवानिया मानो तू सत नहीं दिखा 16 या 17 फुट लंबा बंदा अखियां च खून डरावनी शक्ल हाथ उंदे नजर नहीं आंदे पैरां दी कई कई उंगलियां जेले बिल्कुल करीब आया ना उंदे हाथ बन के आदे जे सच पुछदे सादे च मोहम्मद कोई नहीं ओ जेड़ा मेंबर ते बैठे ओ है मोहम्मद ए बंदा जी मेरी रिसालत दे माप दे करीब आया ना जेड़े पिछू बैठे ने उना गौर नाल दिखे बींदे हाथ ता इंदे हाथ ना जागो भाई थोड़ा जिया इंदे हाथ ताबत दियो बिल्कुल रसूल दे करीब आखड़ा देख के तेरी सलात इमाम एक बहुत बड़ी मुश्किल जा मैं देख के हाथ बद छोड़े एक इशारा पिया करे ना अगर तुम्हारी धरती है ना समझे तब बहर ले के समझे से रसूल दी आवाज आई है तेरे हाथ आज मैं खुलेंदा ना तेरे हाथ आज मैं खुलवेंदा थोड़ा पिछले कोशिश करो जी वो जाग थोड़ा पिछले कोशिश करो तेरे हाथ मैं बिस्मिल्लाह करा यार तेरे हाथ आज मैं खुलवेना अच्छा रिसाला तेरे मामले लेकिन सब तो पहले मैं मोहम्मद हूँ तू तू त्रै गल्लां दा जवाब दे से जैसा जैसा तेरे नौकर त्रै गल्लां कीतियां बड़ी दुआ मिली है पहली गल तेरे हाथ बदे क्या हैं दूसरी गल तेरे हाथ बदे क्यों हैं तीसरी गल तेरे हाथ बदे कदन है अच्छा रिसाला तेरे मामले गल बड़ी पुरानी है मैं तो रिसाले ना मैं कोई बंदा ना जगह भी पहला लफ्ज पे आता मैं कोई इंसान ना मैं ताल्लुक रखेना कौम में जिन्नात नाल दो रही नूह नबी दा नूह नबी ही कश्ती बढ़ाई वो कोई आम कश्ती कोई नहीं वो 1200 हाथ लंबी है 800 हाथ चौड़ी है 80 हाथ बुलंद है उंदे उते जोड़ा जोड़ा जानवरों का सवार है ते 80 बंदा वो सवार है जेड़ा नूह अलैहि सलाम दा कलमा पढ़दा है मैं उस कश्ती को उल्टावना है डुबावना है अजाब इलाही आया कश्ती पानी ते सवार हुई कश्ती ऐसे मकाम ते पहुंची कैसी पोजीशन ते पहुंची कैसी सतह ते पहुंची जिथे मैं को पूरा पत्ता हा ना सी बंदा बचदा है ना नबी बचदा है मैं जान ना जानवर बचदे मैं इवें सजिया तू कश्ती चाहिए अगर मैं चावा हा मैं उसे उल्टा देवा डुबो देवा लेकिन मैं आखे जेड़ा 80 बंदा नूह दे नाल नूह दी कश्ती ते बह के नूह दा बाजू पकड़े मैं इवें सजे हाथ तू रखी है मैं इवें खबे हाथ तू चाहिए खबे दी आवाम सजी आई है ते जेले आपस एक बंदे टकराए ना ते 80 बंदे वन के नो दा बाजू पकड़े नो तू दा दा में निजात आली कश्ती है हुण ता सा मर वैसे ऊ वाले नो दी हालत कड़ी है नो जल्दी नाल अमामा लहाए नो गाल इच पाए उत्ते मुंह करके भी याद है नबियां दा मुश्किल गुशा मेरी मदद गुआ मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा ए नबियां दा मुश्किल कुशा मेरी मदद गुआ जिन्ना दे यो कोई हकल में यो कोई सदा में सुनिए मैं पिछा मुंह जो कीते एक जवान है पानी दी सतह ते घोड़ा भजाई आंदा है इत्थे ही बोल पे गलत अगली है ए देख कहदे जे मैं गौर ना लिठे ना घोड़ा भजदा पानी ते सुंभा जो धूड़ पे निकल दी है मैं बिस्मिल्लाह करा तू सब देर हो अरे ये कोई सदा में सुनिए मैं बहुत परेशान हो गया इसे आलम में खड़ा भी कैसा जवान है पानी दी सतह ते घोड़ा भजाई आंदा है अरे जवान मेरे कोल आ खड़ा मैं कोई थापी मारी अल्लाह जाने केश आई मेरे हाथ ही बन गई है उस दी तू बाद ना जवान लभे ते ना मेरे के हाथ खोलें मैं बिस्मिल्लाह करा अजाब इलाही तो बाद मैं नूह दे दरवाजे ते गया बिल्कुल आखरी जुमड़ा मैं आखे नूह मैं माफी मंगना मेरे हाथ खोल ते देख के आदे नूह मैं को धोता हो या जवाब देता है नूह देख के आदे मेरी के मजाल जो मैं तेरे हाथ खोलना हाथ वो खुले सी जाए आके बद्धे हैं हिक होर गल मैंने नूह की थी हिक दो आसी हिक मोहम्मद आसी उन्दे दर तू कोई सवाल ही खाली नहीं मेंदा तो आपको गुलेंदे 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 आज मैं तुम्हारे कोल आया खड़ाइयो मेरे हाथ तो खुलवाओ उनसे इशारा समझो इंदी निगाह इंदी नजर रसूल खुदा दी पाक ना लेंते गल नबी नल पिया कने रिसालत इमाम में डाठा ओखा मैं देखे हाथ बद छोड़न जो अचानक इंदी गेट ते निगाह पईए ना मैं तेवें अदर ना गेट ते उस करीम दे कदम आके रुकन जेंदे कदम ऐन काबा दे विच मोहम्मद दी मोहर ते है जागो भाई थोड़ा जा यार यार यानि कदम ऐन काबा दे विच मोहम्मद दी मोहर ते है जिवें मौला अली कुरी जल्दी नाल मिंबर दे पिछे लुक गया देख कहदे पुत्रां दा वास्ता इस जवान तो बचा रसूल दी आवाज आई ए ता अली ए
मैं मोहम्मद दा वीरे इको किसे दी ठई देख के आ ते यो जवान ता हाज है मेरे हाथ बधे है तुसा वसदे रहो। आखिरी जुमला मौला करीमा इन रसूल दी आवाज है या अली माफी मांगदा है हाथ तक खोल छोड़े मौला दी आवाज है ये मौला तो दा हुक्म है लेकिन सब तो पहले मैं अली दियां दू शर्ता हैं जिन पसीने शराबूर चेहरे ते मोदी जर्दी देख के ते मौला शर्त एड़ी शर्त अली याद है मैं को मंजूर है उस वेले अली मौला दी आवाज है ये तू आख ला इलाहा इल्लल्लाह जिन पसीने शराबूर चेहरे ते मोदी जर्दी देख के मौला तुहारी शर्त मैं मंजूर है ऊ वाले रसूल दी आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह अली दी शर्त आई मुहम्मद रसूलुल्लाह अली दी शर्त आई अली उन वलीउल्लाह मैं रसूल दी शर्त है दो जुमले में साहिब दो कह दिए ऐसे हैं जेडे अल्लाह दी अदालत च कड़ियां नाल उठी सन मैं बिस्मिल्लाह करा हर बंदे हाय नहीं कीती हां जी तेरे बस नहीं लेकिन एक हाय जरूर कीती करो छठे इमाम को एक बंदे पूछा मौला देखना मेरे अली पास मौला तेरी जद दे गम च की मैं रोवां इमाम दी आवाज आंदी है गरीबां दा किस्सा है जी मैं दिल आखिरो मैं बिस्मिल्लाह करा परदे होने सलामत रहो सलामत रहो मौला ए वैन करके रोवा वैन करके इमाम दी आवाज आंदी अगर तू वैन करके रोवे तो मेरी दादी आलिया दी सुन्नत है ते मौला अगर मैं वैन भी करा और मातम भी करा तो आवाज इमाम दी आवाज आंदी अगर तू वैन भी करें और मातम भी करें खुश नसीब है असगर दी मां दी सुन्नत है तारी हाय तो सदके मन्या मैं बिस्मिल्लाह करा मैं नियाज मानदा सही अगर तू वैन भी करें और मातम भी करें तो असगर दी मां दी सुन्नत है सवाल ही देख के आदे मौला आखिर इंसान आ हां जी मेरे वास्ते तो नहीं हां जी ना आवे तो बात इमाम दी आवाज ये जेड़ा बंदा सा को चौदह को नरो संगे ना असा उस बंदे ते नाराज नहीं होंदे बल्कि उस दे हक च दुआ करके वैने हैं जितनी देर ही बैठा रही है सुजेंदा तरिया उसे ना लुट्टा ते मारा क्यों हाने इतने शरीफा को जिन्हां दा कसूर ही कोई ना लुट्टा ते मारा क्यों ही ने शाम दा जिंदान है इस तरीके नाल चार सालां दी असगर दी बहन देखना मेरे अले पासे हाथ चाई बैठी है ते रो रो के बैठिया दी मैं अल्लाह मैं थक पईयां ते को वास्ते मेरी दादी दे जख्मी पासे दा अज त मैं को बाबा मिला मैं बिस्मिल्लाह करा केड़ा केड़ा दुख मैं छोटी सहन दा सुनावा शाम दा बाजारे रावी जनाबे सजाद इमाम अदन में रकू इच खड़ाम जो पत्थरां दी बारिश शुरू थई है तेरी हाय तो सदके मन्या एदी सोने हाय कर छोड़ी इमाम अदन पत्थरां दी बारिश शुरू होई है मेरी सजाद दी अबा को छिकी मिली है मैं में पिछा मुंह जो कीता है मैं गौर ना लिठे मेरी चार सालां दी भेणे जंदे मुंह ते खून है ते रो रो के पया दिए सजाद दू चो ही काम कर या दुआ मांग भेण इथाई मर वनी या शिमर नवाक मैं को कंड ते मारे मैं को मुंह ते ना मारे ए उठा मरेंदे जिथा बाबा प्यार करेंदा हा सजाद मैं गरीबा मैं हाय तो सदके मन्या मैं नियाज मानदा सी तेरी हाय तो सदके मन्या सजाद इक आंख मैं को कंड ते मारे मैं को मुंह ते ना मारे बिस्मिल्लाह दा सवाब होवे जाकिर जवार हुसैन शाह माड़िया लेना पादरान ने मैं शाम गिया पहाड़ दे वजन जदा इशारा है मसहब दा अगर तुहारा ज़हन मसहब च है पादरान ने मैं शाम गिया मैं जिवें बीबी मासूमा दे हरम में दाखिल होया ना उतु गुंबद दे सजे पासों एक अरबी दा शेर लिखा खड़ा जंदा तर्जमा ए पढ़दा है ओ मेरा सोना बाबा मैं ते को गुलेंदे गुलेंदे शाम सम गईया हाय कर छोड़ो हाय कर छोड़ो मैं बिस्मिल्लाह करा ओ मेरा सोना बाबा मैं ते को गुलेंदे गुलेंदे शाम सम गईया मेरा अल्लाह गवाह जे इमाम आखे ना मासूमा बाबे दा सर घिनावा
जल्दी नाल मेरी सैन दौड़े अपनी पाक दई फिजा दे कन नाल बीबी मुंह लाया ते अल्लाह जाने कोई यो जी गल की ना फिजा दीवारा नाल टकरा मारनी शुरू की ते रो रो के पैया दिए जो मैं कोई इस गल का पता हो गया ना मैं कि हाँ रसूले खुदा को ना आखा मेरी जिंदगी वधा सजाद दी आवाज ये दादी धी गल केड़ी कीती है ऊ वेले फिजा मुंह ते मातम कीते रो के दिए सजाद तेरी भेण मैं को वखरा घिन गई है रो के दिए दादी मदीना नहीं शाम है दादी वतन नहीं जिंदान है परदेस च मेरा सोहना बाबा मैं को मिलन पिया आंदा है दादी जे सच पुछदी ना मैं बाबे दे नाल लगी वैसा सजाद को अल्लाह जिंदगी देवे हाल है बीमार बाकर दी हयाती होवे हाल है छोटा मैदा मैयत मेरे भरा नाल चवावे चा मैं कबर च दुआ करे सा दादी मेरे रिश्ते मुक गए मैं बिस्मिल्लाह करा तोड़ी हाय इस तरीके नाल इमाम बाबे दे सर कुचाया जो जो सर मासूमा दे नेड़े आंदा गई है ना इवें मिट्टी ते समदी गई है इमाम दी आवाज आंदी है मासूमा बाबा मिलन आया है बीबी दी आवाज पई आंदी अम्मा दा जाया मेरे बाबे दा सार मेरे सीने ते रख हो मातमी हो सजाद सर रख असगर दी भेण की वैण की तेन पहला वैण बाबा तेरिया रंगा कै कटिए दूजा वैण बाबा तेरी दहाड़ी दा रंग क्यों तब्दील है अगला वैण बाबा तेरा सजा पासा क्यों जख्मी है अगला वैण बाबा मैनु घोड़ा नाल भजाया ने अगला वैण बाबा मेरी मरी देख मैं को वकरे उठते बलाया अगला वैन बाबा शाम दे राते ही कमी ने उठनु चाबक मारा अद्धा चाबक उठनु लगा अद्धा मेरे पैर ते लगा अगला वैन बाबा मैनु सारे राह मरे दे आन हाय कर छोड़ अगला वैन बाबा करबला तू लेके शाम तई मैं तेरे गुना नहीं जाया आज पैजे नहीं आ तेरे वंजन दी दे राई मेरिया फुफिया नो मरे दे अगला वैन बाबा मैं को गर्दे नाली रस्सी खा गई है अगला वैन बाबा मेरिया तलियां फट गई है अगला वैन बाबा मेरिया पसलियां दर्द करे दिए ओ मातमी ओ आखरी वैन बच्ची यो जिया कीते शाम दी नगरी हल गई है रो रो के पया दिए बाबा ओ मोहरे नबुवत दा सवार बाबा ओ जिब्राइल दे परां ते समण आला बाबा अखी खोलया मैं बुढ़ड़ी थी गया वाह मेरे वाल इमाम दी आवाज आई है मासूमा की में बदी निभदी है अल्लाह गवाह सर को जाके खड़ी हो गई है रो रो के खड़ी आ दिए के दसा रुख सार गवाह इन दी तेरी दे जेड़े शामिया अल्लाह मैं कमाए पहले दुरला है ना शियोदा चाहे नित्य